तो यहाँ पर हम फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं बॉलिंग ट्रिक के ऊपर। यहाँ पर हम हार्ड मोड में खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह 6 बॉल में 12 रन डिफेंड करने हैं और वो भी पाकिस्तान के सामने। तो फील्ड हमें इस तरह से लगानी है, नॉर्मल फील्ड लगानी है जो थ्री पे हो। हमें सामने 3 फील्डर्स रखना है, मिड ऑन मिड ऑफ 3 फील्डर्स रखना है, एक फाइन लेग पे एक फील्डर होना चाहिए। 3 फील्डर्स के साथ हमें बिल्कुल आगे की लेंथ थोड़ा फोर स्टंप पे रख के बिल्कुल आगे डाल के इन स्विंग करानी है बॉल को। देखिए पहले बॉल आप देख सकते हैं, पहला बॉल डॉट हो चुका है, मतलब अब 5 बॉल में 12 रन की ज़रूरत है। देखते हैं हम सेकेंड बॉल भी वही ट्राई करेंगे, हमें जितना हो सके हार्डकोर मोड में वही लेंथ रखनी है। वहाँ से बैट्समैन को शॉट मारने में ज़रा मुश्किल होगी। ये शॉट मारा भी है लेकिन हमने वहाँ फील्डर लगा चुका है, क्योंकि हम आगे रखने से बॉल क्या होगा उसको टाइम करने में टाइम नहीं कर पाएंगे बैट्समैन। वो जब तक टाइम करेगा शॉट खेलने से शॉट जाएगा नहीं, जब तक वहाँ फील्डर रहेगा फील्डर पकड़ लेगा बॉल को। देखिए अब यहाँ पर भी हम तीसरा बॉल सेम स्टंप में रखे, थर्ड स्टंप पे बॉल, यहाँ पर भी शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर आप ऊपर स्पीडोमीटर में देख सकते हो यार लेट हो जा रहे, बिल्कुल बैट के परफेक्ट बॉल पे लग रही ही नहीं है। फोर्थ बॉल भी हम सेम वहीं रखेंगे, अभी तक अच्छा ओवर, 3 गेंद में सिर्फ 3 ही रन आए हैं। फोर्थ स्टंप पे ये भी शॉट खेला आगे लग के, ये भी टाइमिंग देखिए अर्ली टाइमिंग खेल दिया, यहाँ तक ही गई बॉल, सिर्फ 4 बॉल हो चुके। ये मस्ट नीडेड बॉल है दोनों टीम के लिए, यहाँ पर अगर बाउंड्री नहीं जाती है तो यहाँ पर मैच अपने नाम कर सकते हैं इंडिया। और ये शॉट खेलने की कोशिश, यहाँ पर भी लेट हो चुके हैं और वहाँ पर भी हमने फील्डर लगा रखा है, मतलब ये मैच हमारे हाथ में आ चुका है। अब एक गेंद में 7 रन की ज़रूरत है। देखते हैं यहाँ पर अगर 6 जाता है तो मैच ड्रॉ भी हो सकता है। देखते हैं अब यहाँ पर शॉट, वही स्टंप पे रखा है बॉल और ये पर शॉट मारने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर भी शॉट नहीं मार पाए, वहाँ पर भी फील्डर मौजूद। तो जसप्रीत बुमराह ने ओवर में 12 रन वो भी हार्ड मोड में सेव करके बताए हैं और 5 रन से इंडियन टीम को जिताया है।